अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ कुछ नई नई चीज़ें समझ में आई। एक तो ये कि अभिव्यक्ति कितनी ज़रूरी है, एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी है। जब आपके अंदर कुछ भरा हुआ है, कुछ आप महसूस कर रहे हो और उसके शब्द नहीं मिल रहे, तो वो कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है। और जब वो शब्द मिलता है, जब वो लाइन मिलती है पहली बार, तो कितनी खुशी होती है, भर जाता है, जैसे अंदर से सब बाहर निकल आता है। पिछले कुछ दिनों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे पसंदीदा राइटर हैं, कवि हैं, उनकी दो कविताएं पढ़ी। एक है तुमसे अलग होकर, एक है तुम्हारे साथ रहकर। और हम दोस्त लोग बैठे हुए थे, अंकुर शर्मा भी था वहाँ पर, और वो तुमसे अलग होकर पढ़ते हुए रो पड़ा। मैं लगभग अपने मन में ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर पढ़ते हुए रो पड़ा। मैं दोनों कविताएं आपसे बांटना चाहता हूँ। बहुत बहुत समय बाद ऐसा लगा कि किसी कविता ने मेरे अंदर जो चल रहा था उसको शब्द दिए। पहली कविता, तुमसे अलग होकर। तुमसे अलग होकर लगता है, तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं। तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं और मैं नीचे एक सीमा ही सागर में गिरता जा रहा हूँ। कहीं कोई यात्रा नहीं है, ना अर्थमय ना अर्थहीन। गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं है। तुमसे अलग होकर, तुमसे अलग होकर हर चीज़ में कुछ खोजने का बोध, हर चीज़ में कुछ पाने की अभिलाषा जाती रही। सारा अस्तित्व रेल की पटरी की तरह बिछा है। तुमसे अलग होकर हर चीज़ में कुछ खोजने का बोध, हर चीज़ में कुछ पाने की अभिलाषा जाती रही। सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है, हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है। तुमसे अलग होकर, तुमसे अलग होकर घास की पत्तियाँ इतनी बड़ी लगती हैं। तुमसे अलग होकर घास की पत्तियाँ तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरा सिर उनकी जड़ों से टकरा जाता है। नदियाँ सूत की डोरियाँ हैं, पैर उलझ जाते हैं, आकाश उलट गया है, चांद तारे नहीं दिखाई देते। मैं धरती पर नहीं, कहीं उसके भीतर उसका सारा बोझ सिर पर लिए रेंगता हूँ। तुमसे अलग होकर, तुमसे अलग होकर लगता है सिवाय आकारों के कहीं कुछ नहीं है। तुमसे अलग होकर लगता है सिवाय आकारों के कहीं कुछ नहीं है। हर चीज़ टकराती है और बिना चोट किए चली जाती है। तुमसे अलग होकर लगता है, तुमसे अलग होकर लगता है मैं इतनी तेज़ी से घूम रहा हूँ कि हर चीज़ का आकार और रंग खो गया है। हर चीज़ के लिए मैं भी अपना आकार और रंग खो चुका हूँ। धब्बों के एक दायरे में एक धब्बे सा हूँ। निरंतर हूँ और रहूँगा प्रतीक्षा के लिए, मौत भी नहीं। हमेशा हूँ और रहूँगा प्रतीक्षा के लिए, मृत्यु भी नहीं है तुमसे अलग होकर। खैर, ये तो दुख भरी कविता है, लेकिन इसका एक अपोजिट साइड भी है। तुम्हारे साथ रहकर, ये मुझे बहुत अपनी सी लगी। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं। हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है। कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर। हर चीज़ का आकार घट गया है, हर चीज़ का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में मुंह छुपा सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चले जाने का।
तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो आकाश भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं, मेरी है। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है, अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है। भूमि 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 भूमि।